Good morning everyone, my name is Megha Dayani and I am your science teacher. Before starting today's session, let us pray for a while. Join your hands, close your eyes and chant the mantra. Okay, come back. In today's session, we are going to revise the question answers of the practice sheet that are given to you. I will explain you all the question answers that are given in your practice sheet. ऑब्जेक्टिव्स भी हैं उसमें, बट ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ. अगर उसमें कोई डाउट हो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन एफ आंसर इन वन और टू लाइन्स. एक या दो लाइन में जो आंसर देने हैं उसके बारे में हम लर्न करेंगे. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है उसमें है, वॉट आर द मटीरियल्स विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम कोल्ड. जो भी मटीरियल, कोई भी फूड आइटम, कोई भी चीज़ खाने की बनाने के लिए यूज़ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको इंग्रीडियंट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंग्रीडियंट्स. मेक श्योर जब आप आंसर लिख रहे हो तो अगर वो आंसर एक वर्ड का ही है, स्टिल यू हैव टू रिपीट द होल लाइन फ्रॉम द क्वेश्चन ऑल्सो. डोंट जस्ट राइट द वन वर्ड एंड स्किप द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दो एग्जाम्पल देने हैं ऐसे सीड्स के जो स्प्राउट्स बनाने के लिए काम आते हैं. तो उसके दो एग्जाम्पल्स हैं मूंग और चना. मूंग और चना आर यूज फॉर मेकिंग स्प्राउट्स. थर्ड क्वेश्चन, वॉट आर मिल्क गिविंग एनिमल्स कॉल्ड. जो एनिमल्स मिल्क देते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलता है मिल्चिंग. मिल्किंग नहीं, मिल्चिंग एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ मिल्चिंग एनिमल. काउ, बफेलो, टू एग्जाम्पल्स आई हैव टोल्ड यू. यू कैन राइट एनी वन, नो प्रॉब्लम. इफ यू वॉन्ट टू राइट एनी अदर ऑल्सो जो हमें दूध देते हैं, यू आर फ्री टू राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो भी खाने की चीज़ होती है जो ह्यूमन बींग्स या तो कोई अदर एनिमल खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? तो जो हम खाते हैं वो क्या होता है? फूड, ऑब्वियसली. तो फिफ्थ का आंसर है फूड. सो द एडिबल और द ईटेबल सब्सटेंस विच आर ईटन बाई ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू गेट द एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज इज कॉल्ड फूड. इसी हिसाब से पूरा आंसर लिखना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू डिफाइन प्रोटीन्स. सो द फूड आइटम्स विच आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी. प्रोटीन्स क्या है? बॉडी बिल्डिंग वाला है मिनरल, यस. तो ऐसे फूड आइटम्स जिसमें ग्रोथ और हमारी बॉडी का रिपेयर होता है, अंदर जो भी डैमेज हो चुका है वो टिश्यूज और मसल्स जो भी है उसको बोलते हैं प्रोटीन. उसके एग्जाम्पल्स हैं एग, मिल्क, मीट एक्सेट्रा. यू हैव टू डिफाइन विटामिन इन द सेवेंथ क्वेश्चन. द सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज टू कीप अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी आर कॉल्ड विटामिन्स. जो भी चीज़ें जो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से हमारी आईज, बोन्स, टीथ और गम्स हेल्दी रह सकें, उसको बोलते हैं विटामिन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन मिनरल्स. सो द सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज पर किसके लिए? टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी आर कॉल्ड मिनरल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन रफेज. सो द फाइबरस सब्सटेंस इन अवर बॉडी आर कॉल्ड रफेज और द डायट्री फाइबर. रफेज बोलूँ, डायट्री फाइबर बोलूँ, एक चीज़ है. सो ऐसे फाइबरस सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है उसको बोलते हैं रफेज. नेक्स्ट इज, डिफाइन ओबेसिटी. A condition in which excess body fat gets accumulated and affect the health of a person is called obesity. जो भी excess यानी कि ज़्यादा fat है हमारी body में वो एक जगह पे जमा हो जाए और हमारी health को affect करे, उसको ख़राब करे, उसको बोलते हैं obesity. Next question is question 11. How many types of loom machines are there? So there are two types of loom machines. The next question is, you have to name both the types of loom machine. So one is power loom and second is hand loom. These are the two types of loom machine. Next question hai, in which process you soak something in water to soften it? Soft karne ke liye aisi kaun si process hai jisme hum us cheez ko pani ke andar bhigo ke rakhte hain? To retting. Retting is the process in which you soak something in water to soften it. ये process हमने jute में की थी, jute fiber obtain करने के लिए. उसकी stems को हम पानी में भिगो के रखते थे, correct. Next comes 14th question. You have to name the fibers which are obtained using natural and synthetic fibers. ऐसे fibers जो natural और synthetic दोनों का use करके, दोनों होते हैं उसमें, ऐसे fibers को हम बोलेंगे mixed fibers.
अभी मिक्स्ड फाइबर्स के एग्जाम्पल देने हैं. सो द फर्स्ट वन इज टेरी कोट, जो टेरेलिन और कॉटन के मिक्सचर से बनता है. नेक्स्ट इज टेरी वूल, जो टेरेलिन और वूल के मिक्सचर से बनता है. सो टेरी कोट एंड टेरी वूल, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्स्ड फाइबर्स. यू विल गेट द PDF ऑफ दिस, सो डोंट वरी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड द आंसर्स फ्रॉम देयर ऑल्सो, अगर आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलते हैं तो. बाकी अभी मैं बोलती जा रही हूँ आंसर्स, सो इफ यू विश यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन 16, डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो स्पिनिंग के लिए यूज होता है? चरखा. यस, बाकी भी होंगे, मैंने यहाँ पे चरखा दिया है एग्जाम्पल, आप कोई भी लिखो, इफ इट इज करेक्ट आई विल श्योरली गिव मार्क्स. एग्जाम्पल्स ऑफ इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस, अभी इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कौन से? इनसॉल्यूबल मतलब जो पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते, तो सैंड, चॉक पाउडर एंड मैनी मोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू लस्ट्रस मटीरियल एंड टू नॉन लस्ट्रस मटीरियल, दो ऐसे मटीरियल के नाम दो जो चमकते हैं और दो ऐसे जो नहीं चमकते. सो द टू लस्ट्रस मटीरियल आर गोल्ड एंड सिल्वर एंड नॉन लस्ट्रस आर वुड एंड रबर. यू हैव टू नेम टू गैसेज विच आर सॉल्यूबल इन वॉटर इन क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द टू गैसेस विच आर सॉल्यूबल इन वॉटर. इन क्वेश्चन 20 यू हैव टू आंसर और गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टू गैसेस विच आर इनसॉल्यूबल इन वॉटर, जो पानी में सॉल्यूबल नहीं होते, ऐसे दो गैसेस के नाम. सो दे आर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वॉटर, ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर जो डिजॉल्व है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो पानी के अंदर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं ना, उनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वही ऑक्सीजन वो लोग रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं. रेस्पिरेशन करना मतलब सांस लेना. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी रेशियो देन इट इज़ कॉल्ड, क्या बोला जाता है? कभी भी जब दो या तो दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स किया जाता है किसी भी रेशियो में, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर. नाउ यू हैव टू टेल मी सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजोल्व इज कॉल्ड, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व होता है उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. यू हैव टू गिव एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्वेंट, तो एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वाटर. ऑलमोस्ट 95% चीज़ें जो होती हैं वो वाटर में डिजोल्व या तो सॉल्यूट जो होता है वो वाटर में चला जाता है. क्वेश्चन 25, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हम मिक्स कर रहे हैं उसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं? तो इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट 26th क्वेश्चन, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस दैट डिजोल्व इन अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूट. जब सॉल्यूबल है तो ही वो डिजोल्व होगा ना, तो जो डिजोल्व होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं और जिसमें डिजोल्व होता है वो सॉल्वेंट. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रस्टिंग ऑफ आयन आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस. यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल, नो इश्यूज. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 28. व्हाई इज डिजोल्विंग अ रिवर्सिबल चेंज, क्यों? क्योंकि डिजोल्विंग जो है ना वो सब्सटेंस की जो ओरिजिनल सब्सटेंस है ना वो केमिकली रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए कोई नया सब्सटेंस नहीं बन जाता, हम वो चीज़ को वापस ला सकते हैं. जैसे नमक को पानी में डाल दो फिर पानी को गर्म करो तो पानी वेपरेट हो जाएगा, नमक वापस मिल जाएगा. सो डिजोल्विंग इज अ रिवर्सिबल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. व्हाई इज कुकिंग ऑफ फूड अ केमिकल चेंज, जब भी हम कुक करेंगे तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होगा हीट की वजह से और नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, इसीलिए ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस जो है वो हम वापस नहीं ला सकते कुक करने के बाद, इसीलिए कुकिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज. क्वेश्चन नंबर 30, हाउ आर राइवेट्स फिटेड ऑन टू मेटल सर्फेसिस, मतलब के जो बॉल स्क्रू जो होते हैं वो मेटल सरफेस पे कैसे हम फिट कर सकते हैं? तो पहले उन्हें गर्म किया जाता है, फिर अलाइंड होल्स, अलाइंड मतलब एक लाइन में जो होल्स होते हैं उसके थ्रू पास किया जाता है, फिर उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो प्लेट्स हैं उसको होल्ड कर देगा एकदम फर्मली, ताकि
वो चीज़ें अभी जुड़ जाए और एक जगह से दूसरी जगह हिले नहीं। सो स्क्रू और उन सब का काम ही वही होता है, दो चीज़ों को जोड़ के रख देना, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एवरी चेंज हैज़ अ कॉज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। एवरी चेंज हैज़ अ कॉज बिकॉज ओनली देन न्यू थिंग्स कैन बी इन्वेंटेड, बाकी नहीं कर सकते हैं। 32 क्वेश्चन, इफ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट, वॉट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव। जिस प्लांट के रूट्स फाइब्रस होते हैं उसकी लीव्स का वेनेशन कैसा होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस, इट इज पैरेलल वेनेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वॉट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का प्राइमरी फंक्शन क्या है, फ्लावर का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज होता है, कौन से फंक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन, फ्लावर में से ही फ्रूट्स बनेंगे ना इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू गिव द रीजन दैट रूट्स ऑफ द प्लांट हेल्प प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, जो प्लांट के रूट्स हैं वो कैसे हेल्प करते हैं सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, रूट्स जो हैं वो सॉइल को एकदम फर्मली होल्ड कर देते हैं जिसकी वजह से सॉइल वहाँ से हिलती नहीं है, एंड दैट इज द रीजन इट प्रिवेंट्स द सॉइल इरोजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन गिव द रीजन, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स आर कलरफुल एंड हैव स्वीट सेंट, क्यों ऐसा होता है, ताकि इंसेक्ट्स जो है ना वो उसके पास अट्रैक्ट हों और जिसकी वजह से वो हमें पॉलिनेशन में हेल्प करें, मतलब वो फ्लावर को हेल्प करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, हाउ इज इट यूजफुल फॉर प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वो होती है जो स्टोमेटा मतलब के जो लीफ में छोटे छोटे होल्स हैं वहाँ से वो वाटर वेपर रिलीज करेंगे बाहर, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ये जो प्रोसेस है वो प्लांट्स को हेल्प करती है इन कूलिंग डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू एनिमल्स शो मूवमेंट, एनिमल्स मूवमेंट क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, खाना ढूंढने जाते हैं, एनिमीज से बचने के लिए जाते हैं और नया शेल्टर ढूंढने के लिए जाते हैं, दिस आर द 3 इम्पॉर्टेंट रीजन्स फॉर द एनिमल्स शोइंग मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंशन द डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स मूव, कौन सी वेज से एनिमल्स मूव करते हैं, वो वॉक करते हैं, रन करते हैं, जंप, फ्लाई, क्रॉल एंड स्विम, सो दीज आर द डिफरेंट मैनर्स इन विच द एनिमल्स मूव। लास्ट सेकेंड क्वेश्चन इज, वॉट आर द मेन टाइप्स ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, कौन से मेन टाइप्स होते हैं जॉइंट के, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस आर द 4 इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर एक्सरेज यूज फॉर डायग्नाइजिंग मेडिकल कंडीशंस, एक्सरेज कैसे हेल्पफुल होते हैं, एक्सरेज की मदद से आप बॉडी के अंदर के पिक्चर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सरेज वो है ना एक रेडिएशन की काइंड ही है जो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। अंडरस्टूड एवरीवन, सो हियर वी कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स विच यू हैव टू आंसर इन 1 or 2 लाइंस। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न द क्वेश्चन आंसर्स दैट यू आर सपोज टू आंसर इन 3 to 4 लाइंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर जी। दैट्स इट फॉर टुडे, कीप लर्निंग, प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम्स, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।